अभी आपको बताएं, हालिया सैलाबी बारिशों ने सिंध के मीरपुर खास डिवीजन में तबाही मचा दी। पीटीएम में सिंध की रिपोर्ट के मुताबिक वहां 2 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं, 6000 बस्तियां उजड़ गईं और मुतासरीन का कोई पुरसाने हाल नहीं है। बरसाती रेला मीरपुर खास के किसान जीवा का सिर्फ घर ही नहीं, अच्छे दिनों के ख्वाब भी अपने साथ ले गया। आशियाना डूबने के गम से बीवी होशो हवास खो बैठी तो जीवा खुद बच्चों को दिलासे देने लगा। ये कहानी सिर्फ जीवा की नहीं, इस इलाके के लाखों सैलाब मुतासरीन खानदानों की है। हजारों बस्तियां उजड़ गई हैं और लोग बेकसी और बेबसी की हालत में सड़क पर पड़े हैं। लाखों एकड़ पर खड़ी जरई फसलें तबाह हो गई हैं और जानवर मर चुके हैं। काश्तकार बर्बाद हो चुके हैं। फसलें उगाकर दूसरों का पेट भरने वाले आज खुद एक वक्त की रोटी के मुंतजर हैं। पीने के लिए फराहम किए जाने वाले पानी का रंग इंतजामिया का गदलापन जाहिर कर रहा है। बेकसों के बारे सवाल किया तो मकामी इंतजामिया भी अपनी बेबसी जाहिर करने लगी। कुदरती आफत के शिकार ये बेबस लोग अब इंसानी बेहिसी का शिकार हो रहे हैं। मुतासरीन मुंतजर हैं कि कब मुतल्लिका सरकारी इदारे और NGOs इनकी दाद रस्सी को पहुँचेंगे।